बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको बुलाने का और तकलीफ देने का मकसद ये है कि कुछ अरसे से एक इम्प्रेशन दी जा रही है कि बलूचिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बिल्कुल जो है वो जाम हो चुका है और बलूचिस्तान की जो तामीर तरक्की है वो रुक गई है। ये इम्प्रेशन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से बार बार देखने में आ रही है, तो इस पर हमने ये महसूस की कि हम आपको बलूचिस्तान की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आपके तवसुत से बलूचिस्तान के लोगों को बताएं कि गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उस हवाले से जो है काफ़ी काम हो चुका है। बलूचिस्तान में आपको पता है कि जी गवर्नेंस का बड़ा फुकदान रहा है और हमारी हुकूमत जब बनी है तो बहुत से ऐसे मसाइल हमारी हुकूमत को जो है दरपेश थे। इसमें गवर्नेंस भी है, इसमें बलूचिस्तान की जो है तामीर तरक्की भी है और PSDP भी है। अब रवायतन हर हुकूमत जो है 5 PSDP और 5 बजटें मनाती है, लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने जो है रवायत से हट के ये पूरे माली साल का PSDP बना डाला और उसमें काफ़ी जो है शिकायतें भी थी। वी आर थैंकफुल टू बलूचिस्तान हाई कोर्ट के उन्होंने जो है इस चीज़ को महसूस किया और उस पर जो है उसको PSDP के हवाले से उनकी काफ़ी रूलिंग भी दी है उन्होंने। तो कैबिनेट ने भी डिसाइड किया था कि जी हम जो हैं जो फ्लॉज हैं एग्जिस्टिंग PSDP में उसको हम जो है दूर करें। उस हवाले से कैबिनेट कमेटी बनी और SES साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है दिन रात मेहनत करके एक जो है बेहतरीन प्रिसाइज PSDP तरतीब दी, जो मैं ये समझता हूँ कि जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट जो डी ट्रैक थी उसको दोबारा ट्रैक पे ले आए हैं। इसी कंटेस्ट में हमने कहा आपको बता दें कुछ डिटेल्स हैं जो फर्दर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी 1515 कोई ऑन गोइंग स्कीम्स थे जिनकी एलोकेशन कोई 30 अरब के करीब थी। इसी दौरान कोई 23 अरब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने महकमा तामीर PND ने रिलीज़ कर दिए हैं, जो कोई अच्छा खासा जो है कोई 80-90% बनता है, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर तकरीबन अच्छे खासे कवर हो चुके हैं। इसी तरह कुछ 411 स्कीमें से थी। अमूमन रवायत यह है कि जब नई गवर्नमेंट आती है तो पुरानी जो है स्कीमात को वो छोड़ देती है और नई स्कीमात को जो है वो शुरू कर देती है, लेकिन हमारी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जी जो पुरानी स्कीम कई कई सालों से जो है वो चल रही थी उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल कर दें। कोई 411 ऐसे स्कीम थी जिनकी कोई तकरीबन लागत कोई 6 अरब बनती थी, गवर्नमेंट ने जो है वो जो है रिलीज़ कर दिए हैं और वो जो है साल कंप्लीट हो जाएंगी। इसी तरह बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें जो हमने समझा कि वो जो है उनका बनना बड़ा ज़रूरी है और उनके लिए जो है एडिशनल अलोकेशन जो है उनका बंदोबस्त किया गया है, जिसमें मांगी डैम जो क्वेटा के करीब बन रही है बड़ा अहमियत का हामिल है और क्वेटा की जो वाटर सप्लाई है उसको जो है उसकी वजह से काफ़ी मदद मिलेगी। 60 करोड़ के करीब तकरीबन जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं और काम वहाँ पर जारी है। इसी तरह बसोल डैम उरमाडा में आपको पता है बन रहा है और वहाँ पर कोस्ट में जो है पानी का बड़ा मसला था, तो उस पर भी जो है फेडरल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान ने ये महसूस की कि जी वो बड़ा अहम है और ज़रूरत का हामिल है, तो कोई उस पर जी 50 करोड़ के करीब रिलीज ब्रिज फाइनेंसिंग की है ताकि वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए और लोगों के जो है उरमाडा के और इसके गिर्द नवा के जो इलाके हैं उनमें पानी का मसला हल हो जाए। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे स्कीम हैं जिसमें कच्ची किन्नाल कमांड एरिया है जिसको कोई 25 करोड़ रुपये एडिशनल फंड जो है वो जारी हो चुके हैं। अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज क्वेटा इंटू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान एट क्वेटा,
ये बड़ा अहमियत कहाँ मिल है, बड़ा जो है बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू की है, लेकिन वो उसका काम लिंगर ऑन हो रहा था, उस पर भी जो है एडिशनल फंड दे के 100% उसको कमिट कर रहे हैं। कोई बुलडोज़र आर 200 खरीदने थे, वो पुरानी प्रोजेक्ट है और लोगों को बहुत जो है ज़रूरत उसकी है, उस पर भी जो है गवर्नमेंट ने जो है फंड्स दे के उसको मुकम्मल करने का जो है फैसला कर लिया है। इसी तरह मुख्तलिफ डैम्स हैं बलूचिस्तान के, उनको भी जो है कोई अच्छे खासे एलोकेशन मिल गए हैं। और शहीद सिकंदर यूनिवर्सिटी है जो खुशदार में बन रही है, बड़ी ज़रूरी है, मैं उस पर मैंने विजिट भी किया है, उसको भी जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो है 25 करोड़ दे के मुकम्मल कर लिया। इसी तरह शहीद सिकंदर जहरी कैरेट कॉलेज औरान है, आपको पता है औरान जो है बड़ा डिप्राइव्ड है और वहाँ पे कैरेट कॉलेज बन रही है, उस पर भी जो है हमने एडिशनल जो है फंड्स दे के उसको जो है जल्द से जल्द कम्प्लीट करने का कहा है। तो इसी तरह कल हमने जो है डिसाइड किया है कि जी अब मजीद डिटेल जैसे साहब आपको बताएंगे, डॉक्टर फरोख अतीक साहब बैठे हुए हैं, मजीद आपसे बात करेंगे। बलूचिस्तान पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट रिफॉर्म ऑफिस का क्याम जो है कल हमने फैसला किया कि उसको जल्द मुकम्मल करेंगे। उसकी वजह से जो एक ऑटोनमस बॉडी होगी और उसको वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय यूनियन जो है उसको एक्सपर्ट्स फ्राहम करेगी, उसके तहत कोई 6 यूनिट्स बन जाएंगी। उसमें मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जिसमें आपका टैक्स पॉलिसी है, पेंशनर्स जो है रेगुलेशन प्रोग्राम है और इसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, तो वो जो है हमारी जितनी भी बलूचिस्तान की जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं वो सब कवर हो जाएंगे। और मज़ीद जो हम समझते हैं कि हमें जिस जिस जगह पर जो है टैक्स आयद करना चाहिए या जो हमारे जो लॉज ऐसे हैं जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती है, उसके तवज्जो से जो है हम इनको जो है दोबारा अपडेट करेंगे, बेहतर बनाएंगे। देखें ये जो है मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि जब हुकूमत हमारी बनी तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था। उसमें हमने ये महसूस की कि जो कोई 10-15 सालों से जो है इसको काफ़ी मतलब ट्रैक पे नहीं था, मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसमें करप्शन भी है, उसमें जो है लैक ऑफ जो है इंटरेस्ट भी है, प्रायोरिटीज़ भी लोगों के और थे। तो इस पे एक कैबिनेट कमेटी बनी और कैबिनेट कमेटी के कोई मुतअद्दिद उनके जो है मीटिंग्स भी हुए हैं, फिर उसमें जो एसी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, उसमें जो है दिन रात उन्होंने मेहनत की, उसको जो है जो काफ़ी जो स्कीमत ऐसी थी जो हाई कोर्ट के गाइडेंस के मुताबिक, उनका ये गाइडेंस था कि जी उसको आप प्लानिंग कमीशन के जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक करें, बजाय ये कि आप जो हैं एक यूएसबी पे जाके उसको मना दें, बाकायदा उसकी प्रॉपर वर्किंग हो, डिपार्टमेंट जो है उसको उसके घर से पेपर आए जिस तरह इस हिसाब ने आपको कहा, फिर जाके जो है उसकी जो है सोशल इम्पेक्ट जो सोशल इकोनॉमिक इम्पेक्ट जो हो फिर जाके उसको अप्रूव करें। तो उसी हवाले से जो है मुख्तलिफ PWP और DSC मीटिंग्स भी हुई हैं, डिपार्टमेंटल जो उनकी हमने एक कमेटी है जो स्कीम को अप्रूव करती है उनकी एक लिमिट है, इसके अलावा जो PWP मीटिंग है, पब्लिक वर्किंग पार्टी PWP, हाँ जी अच्छा, उस वो भी मुतादिद स्कीमों के हुए हैं। तो अब जाके एक फाइनल उसको शेप दी गई है। अब हम हमारे जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो थ्रू AG हम उसको भी उनको कन्वे कर रहे हैं और वो काफ़ी उन्होंने जो है इन चीज़ों को मज़ीद वाज़े किया है। तो जिस तरह उन्होंने कहा अपना एसएस साहब ने कि जी कोई 15 से 15 स्कीमत ऐसी थी जो जिनको जो है कोई 30 अरब उनकी एलोकेशन थी, कोई 23 अरब उनको जो है मिल चुकी है, कोई 411 स्कीमत उनको जो है वो साल डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कोई 261 स्कीमत ऐसी हैं जो पाइपलाइन में कोई 1.5-2 अरब उनको दे के उनको भी जो है डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इससे जो ये होगा कि जो थ्रो फॉरवर्ड है उसमें भी कमी आ जाएगी और नंबर टू वो इसकी बात जो है वो प्रिसाइज होगा। और एक चीज़ भी हम मजीद उसको देख रहे हैं कि पहले इस तरह होता था कि जी अगर कोई 10 करोड़ की स्कीम होती थी तो उसको जो है सिर्फ PSDP में जो है जिंदा रखा जाता था, कोई 3 मिलियन दे के या कोई 5 मिलियन दे के और वो फिर सारा साल चलता रहता था। अब हमने एक नई पॉलिसी बनाई है कि अगर एक स्कीम जो है 1 अरब की है तो उसको इस तरह का एलोकेशन दें कि वो जो है 1-2 साल में मुकम्मल हो, वो फिर जो है एक नया सिलसिला शुरू ना हो और उस वजह से जो है जो एस्केलेशन रेट्स हैं वो भी फ़र्क आ जाता है। तो
इसमें जो है हमारी जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इसने काफ़ी वो काम किया है और जो है चीज़ों को जो है मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। तो इसमें जो कि क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था कि हम जो हैं बलूचिस्तान के अवाम ने हमें मैंडेट दे के भेजा है और उनको हम बता दें कि जी हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। मतलब किसी ने अगर ये तासर दिया तो इसमें कोई उनकी तो शायद उनका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लेकिन हम जो है अपनी तरह से भरपूर काम कर रहे हैं और हम ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पे हमने प्रोग्राम पे काम किया है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आउटडेटेड थी या पहले जो है उनको करना चाहिए था। अब हमने जो है बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बनाया है, उसमें जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी या जो है जितनी भी कंपनियाँ आएँगी उस CPAC के तवसत से वो टैक्सेबल होंगी और उससे जो है बलूचिस्तान को अरबों रुपए जो है रेवेन्यू जनरेशन होगी। इसी तरह जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बलूचिस्तान पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट रिफॉर्म यूनिट है, इसकी वजह से जो बलूचिस्तान की जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह लैंड लीज पॉलिसी है, पहले कभी नहीं थी लेकिन हमने जो है आते ही उसको लैंड लीज पॉलिसी बनाई। अभी जो चाइनीज़ ने हमसे जो है गवादर में बिशुकान RPP के लिए जो है ज़मीन मांगी है, हमने उनको जो है लीज़ पे दिए और वो 10% जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को हर साल पे करते रहेंगे प्लस 1% उनका एस्केलेशन है। इसी तरह हमारा जो है मिनरल्स माइंस एक्ट था वो आउटडेटेड था, उसको जो है हम अपडेट कर रहे हैं ताकि जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएँ और एक बेहतर गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू जनरेशन हो जाए। इससे और भी अभी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट था वो कॉलोनियल ज़माने का था, उसको हम मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, उसको जो है अपडेट कर रहे हैं। और इसी तरह जो है ये पेंशनर्स एक्ट है वो को 30-40 साल पुराना एक्ट है, उसको हम मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है एक सिंगल चीज़ पे काम है, अब जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं सब पे जो है बैक वक्त हम काम कर रहे हैं और वो काम जो है आपको वक्तन फवक्तन जो है बताना ज़रूरी है। अब मैं इस बात पे नहीं जाऊँगा कि जी कोई क्या चाहता है क्या सोचता है, लेकिन मैं आपको रेस्ट अश्योर करना चाहूँगा कि जी गवर्नमेंट जो है अपनी कोएलिशन पार्टनर्स के साथ बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर किसी ने जो किस तरह की सोचता है तो वो बिल्कुल जो है गलत सोच रहा है। अब जो है हमारे सारे स्टेक होल्डर्स और बलूचिस्तान आवामी पार्टी के जितने भी जो हैं हमारे सूबाई कौमी असम्बली और सेनेट के जो मेम्बरान हैं उनमें जो है रबते का जो है अच्छा खासा निज़ाम है, आपस में जो है रबते में हैं और हमारी जो है बाकी जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी BNP अवामी और HDP PTI और ये सारे हमारे साथ हैं और कोई इस तरह का इशू नहीं है इंशाल्लाह। देखें हर जो है जमहूरी गवर्नमेंट में अगर अकाउंटेबिलिटी का जो है निज़ाम ना हो तो वो जो है गवर्नमेंट नहीं चल सकती। और हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जी अगर हमने जो है अच्छी गवर्नेंस करनी है तो करप्शन के जो है आंसर को जो है हम उसको मज़ीद कम करें। हमारे जो करप्शन को रोकने के अदारे हैं, चीफ मिनिस्टर सिलेक्शन टीम है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है या ऊपर जाके नैब है, तो हमने उनको जो है खुली छूट दी है कि वो जाके जो हैं जहाँ जहाँ वो समझते हैं या किसी करप्शन की जहाँ पे निशानदेही होती है तो वहाँ पे एक्शन लें और वो जो हैं इस चीज़ में इंडिपेंडेंट हैं। जहाँ तक आपने बात की कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट को या बलूचिस्तान हाई कोर्ट को कहा है तो डेफिनेटली हम उस बात पर जो है स्टैंड करते हैं। हम अगर किसी ने बलूचिस्तान के अवाम के पैसों के खुर्द बुर्द की है और लूट मार की है तो चाहे इस गवर्नमेंट में हो या पिछली गवर्नमेंट में हो तो कमीशन कायम करके उसको जो है वो देख ले और हम इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट करेंगे और वेलकम करेंगे। देखें जहाँ पे मिसक्रिएंट्स होंगे जो बलूचिस्तान के उस मुल्क के जो हैं हम उनको तबाह कर रहे होंगे तो उनके ख़िलाफ़ जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं कार्रवाई कर रही हैं और जो नेक्शन एक्शन प्लान है उसमें जो है हम बिलीव करते हैं कि जी वो अपने ट्रू स्पिरिट में जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए और वो जो हमारी तकरीबन वो हमारी जो अम्न था जो कुछ लोगों की वजह से जो है वो मुतासर हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वो बहाल हो चुका है। और मकरान उसमें काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, मकरान में जो है अब काफ़ी बेहतरी आई है, वहाँ पर लोग जो हैं पुरसकून तरह से जो है रह रहे हैं। इसी तरह क्वेटा और बाकी जो एरिया हैं पहले की नस्बत बहुत बेहतरी आई है, तो वी आर क्वाइट होपफुल के जी मज़ीद बेहतरी आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला अगर कोई भी मिसक्रिएंट या आउटफिट या कोई तंजीम
अगर जो है अमन के खिलाफ या जो है किस तरह के वाकयात में मुलवस पाई गई तो उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई होगी। देखें, जब हुकूमत वजूद में आई तो उस वक्त हमने पहली या दूसरी कैबिनेट में ये फैसला किया कि जो वैकेंसीज वो फिल नहीं हो सके हैं उनको जो है फौरी सूरत में फिल करें। और इसमें जो है पहले ये था कि जी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ख़ुद जाके टेस्ट और इंटरव्यू करते थे, लेकिन हमने जाके उनको अब जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिवॉल्व कर दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट का जो है डिप्टी कमिश्नर उस कमेटी का हेड होगा, उसमें जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वो मेंबर होंगे और वहाँ से जो है वो टेस्ट इंटरव्यू होंगे ताकि जो है हमारे जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए सहूलत हो। जहाँ तक आपने देखें एजुकेटर्स की बात की तो बहुत से ऐसे वैकेंसीज़ हैं जिनको जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो भर्ती करानी है। तो हमने सोचा कि चूँकि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी एसिस्टीज की वैकेंसीज़ हैं जो फौरी सूरत में उन्हें भर्ती कराने हैं, लेकिन उसमें हमने मेकेनिज़म भी तय कर दिया है। वो मेकेनिज़म ये है कि जो यूनियन काउंसिल लेवल पर जो भर्तियाँ होंगी, जिसने मास्टर्स डिग्री या बी ए डिग्री में हाइस्ट मार्क्स लिए होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको जॉब मिल जाएगी और इससे जो है क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर होगी और ड्रॉप आउट रेशो जो बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा था उससे कमी आ जाएगी। इसके अलावा जो पहले एसी साहब ने फरमाया कि जी हम जो मॉडल स्कूल्स बना रहे हैं सीएम स्पेशल इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत, तो उस पर भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो हमारा मकसद यह है कि जी एक तो बलूचिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम में जो फ्लॉज हैं उनको बेहतर कर सकें और दूसरा जहाँ पर जो वैकेंसी तकरीबन कोई 10,000 के करीब जो है वैकेंसीज एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली हैं वो इंशाल्लाह ताला फौरी सूरत में फेल हो रही हैं। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि अभी जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो मेरिट पे होंगी और कोई इस तरह की कोई इवेंट ट्राई नहीं होगा।